नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं मैप्स मानचित्र के बारे में। ठीक है, याद रखिए कोई भी एग्जाम हो, आईएएस पीसीएस कोई भी वन डे एग्जाम हो, जिस परीक्षा में मानचित्र का महत्व है या मानचित्र के जो टॉपिक हैं, ये सब हम लोग पढ़ने के बाद मानचित्र को वो सभी टॉपिक कवर हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिए। तो इसमें हम लोग मैप्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं विषय सूची के बारे में। विषय सूची देख लेते हैं कि आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो यह है हमारी विषय सूची, ये हमारी विषय सूची। इसमें बात करेंगे हम लोग, सबसे पहले पृथ्वी का परिचय देखेंगे, एक सामान्य परिचय। फिर दूसरा टॉपिक है हमारा विश्व, फिर बात करेंगे हम लोग विश्व का एक परिचय की बात करेंगे। अगला टॉपिक होगा उत्तरी अमेरिका की प्रमुख पर्वत श्रेणियां। फिर बात करेंगे दक्षिणी अमेरिका की प्रमुख पर्वत श्रेणियां। फिर देखेंगे हम लोग अफ्रीका की प्रमुख पर्वत श्रेणियां। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे यूरोप की प्रमुख पर्वत श्रेणियां। फिर एशिया की प्रमुख पर्वत श्रेणियां देखेंगे। फिर आगे देखेंगे हम लोग ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रेणियां। उसके बाद बात करेंगे विश्व की प्रमुख पर्वत शिखर व श्रेणियां। फिर बात करेंगे उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियां। उसके बाद बात करेंगे दक्षिणी अमेरिका की प्रमुख नदियां। फिर बात करेंगे अफ्रीका की प्रमुख नदियां। उसके बाद बात करेंगे यूरोप की प्रमुख नदियां। फिर एशिया की प्रमुख नदियां देखेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियों के बारे में। फिर उत्तरी अमेरिका की प्रमुख झीलें देखेंगे। फिर दक्षिणी अमेरिका की प्रमुख झीलें देखेंगे। फिर अफ्रीका की प्रमुख झीलें देखेंगे। उसके बाद यूरोप की प्रमुख झीलें रहेंगी हमारी। फिर अगला चैप्टर रहेगा एशिया की प्रमुख झीलें, फिर ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख झीलें। फिर बात करेंगे हम लोग विश्व की प्रमुख मरुस्थल। फिर बात करेंगे विश्व के प्रमुख पठार। उसके बाद बात करेंगे हम लोग विश्व के प्रमुख अंतरिक्ष। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग विश्व के प्रमुख प्रायद्वीप। फिर बात करेंगे विश्व के प्रमुख जलप्रपात। फिर देखेंगे हम लोग विश्व की प्रमुख ज्वालामुखियां, ज्वालामुखी देखेंगे। ठीक है, फिर बात करेंगे विश्व के सागर व महासागर, विश्व की जलधाराएं देखेंगे। फिर बात करेंगे विश्व की प्रमुख खाड़ियां। ठीक है, फिर रहेगा हमारा विश्व की प्रमुख स्थानीय भवनें। फिर विश्व की प्रमुख जल संधियां एवं स्थल संधियां। फिर बात करेंगे विश्व की प्रमुख बंदरगाह। फिर बात करेंगे विश्व के प्रमुख द्वीप। फिर देखेंगे हम लोग विश्व के वन व वनस्पतियां। फिर बात करेंगे विश्व के उष्ण व शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। फिर विश्व की प्रमुख नहरें देखेंगे। फिर विश्व के खनिज देखेंगे, जैसे विश्व के प्रमुख लोहे उत्पादक क्षेत्र देखेंगे, विश्व के प्रमुख मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र, विश्व के प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र, विश्व के प्रमुख सोना उत्पादक क्षेत्र, विश्व के प्रमुख चांदी उत्पादक क्षेत्र, विश्व के प्रमुख जस्ता उत्पादक क्षेत्र, विश्व के प्रमुख सीसा उत्पादक क्षेत्र, विश्व के प्रमुख टिन उत्पादक क्षेत्र, विश्व के प्रमुख गैस उत्पादक क्षेत्र, विश्व के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र, विश्व के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र। फिर बात करेंगे विश्व के प्रमुख यूरेनियम व थोरियम उत्पादक क्षेत्र। फिर अगला टॉपिक होगा हमारा विश्व कृषि व मत्स्य पालन। फिर उसके बाद होगा विश्व के परिवहन। फिर बात करेंगे विश्व के लोह इस्पात औद्योगिक स्थल। फिर बात करेंगे विश्व के मोटर गाड़ी औद्योगिक स्थल। फिर बात करेंगे विश्व के जलपोत निर्माण औद्योगिक स्थल। फिर देखेंगे विश्व की प्रमुख जनजातियां। फिर देखेंगे उत्तरी अमेरिका के देश व उनकी राजधानियां। फिर देखेंगे दक्षिण अमेरिका के प्रमुख देश और उनकी राजधानियां। फिर अफ्रीका के देश व उनकी राजधानियां देखेंगे। फिर बात करेंगे एशिया की प्रमुख राजधानियां, एशिया के देश और उनकी प्रमुख राजधानियां जो जो। फिर यूरोप के प्रमुख देश, उनकी राजधानियां बात करेंगे हम लोग। फिर होगा ऑस्ट्रेलिया के देश व उनकी राजधानियां। तो हम लोग इतना कवर करेंगे इसमें। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग भारत के जो इंडिया का राज्यों का जो भी मैप रहेगा उसे भी हम लोग देख लेंगे। तो हमारा मैप का पूरा जितना भी टॉपिक है सभी कवर हो जाएंगे। तो याद रखिए कि हम लोग इसमें इतना पढ़ेंगे और मैप्स भी देखेंगे, इनकी स्थिति अवस्थी देखेंगे। अवस्थिति जहाँ गूगल का सहारा लेना पड़ेगा, गूगल मैप का, वहाँ लेंगे और जितना इसमें दिया गया है वो भी देखेंगे। याद रखिए
इतना हम लोग कवर करने के बाद हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, काफी हमारा मटेरियल उपलब्ध हो जाएगा इतने में। ठीक है, तो याद रखना है, हम लोग एक प्लेलिस्ट सूची बनाएंगे, किस नाम से बनाए, मैप्स या मानचित्र के। ठीक है, मैप्स या मानचित्र, इसी में सभी लेक्चर आपके पड़े रहेंगे। याद रखना है, जितने भी लेक्चर मानचित्र से संबंधित बनेंगे, मैप से संबंधित आपके, इसी प्लेलिस्ट सूची में पड़े रहेंगे। ठीक है, याद रखना। चलिए तो हम लोग आगे से बात करेंगे पहले टॉपिक के बारे में, पृथ्वी का एक परिचय देखेंगे सामान्य। ठीक है,